हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी किचन। मैं आज आपको मटर पनीर की रेसिपी बताऊंगी। वैसे तो मटर पनीर की बहुत सारी वैरायटी होती है, लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं इसे। आज मैं इसे आपको अपने स्टाइल में बना करके दिखाऊंगी और वो बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो चलिए देखते हैं उसके लिए मैंने क्या क्या लिया है। इस टेस्टी मटर पनीर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है बेसन, जो कि हमारा सीक्रेट इन्ग्रीडियंट है, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, प्याज, हरी धनिया की पत्ती, मटर, टमाटर। साथ में मैंने कुछ सूखे मसाले लिए हैं, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर लिया हुआ है कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके, और गरम मसाला, और क्यूब्स में कटे हुए पनीर। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मटर पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाले की तैयारी करेंगे, तो उसके लिए हमें एक पेस्ट बनाना होगा। तो मिक्सर जार में हमें कटे हुए प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन का एक बारीक पेस्ट तैयार कर लेना है। इस तरह से हमें सभी चीज़ों का एक स्मूथ पेस्ट रेडी कर लेना है। सबसे पहले मैं पनीर को फ्राई कर लूँगी, उसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया है। अब सभी पनीर को हमें सैलो फ्राई कर लेना है। इसे बहुत ज़्यादा डार्क ना करें, नहीं तो हमारा पनीर टाइट हो जाता है। जैसे मैंने पनीर को लाइट गोल्डन फ्राई कर लिया है, अब इसे निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर सेम पैन लेंगे और उसमें थोड़ा तेल और ऐड कर देंगे। इसमें डालेंगे एक चम्मच जीरा और एक तेजपत्ता। जीरा को थोड़ा क्रैकल होने दे देंगे, फिर डालेंगे कटा हुआ प्याज और उसे हमें थोड़ा गोल्डन कर लेना है। प्याज हल्का गोल्डन हो जाए तो उसमें एक चम्मच बेसन ऐड कर देंगे। ये हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, जिससे हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी गाढ़ी बनती है। बेसन डालने से सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और पानी और मसाले आपस में बहुत अच्छी तरह से बन जाते हैं। पानी अलग से छूट करके निकलते हुए नहीं दिखते हैं ग्रेवी में। अब साथ में हमें ऐड कर देना है पिसा हुआ पेस्ट, जो टमाटर प्याज का मैंने पिसा था, और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। साथ में ऐड कर देंगे एक चम्मच नमक या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहीं पर मैं ऐड कर दूंगी सारे सूखे मसाले, जैसे कि धनिया, जीरा, मिर्ची, हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर। सभी चीज़ों को डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर दें। साथ में यहाँ पर मैं मटर ऐड कर दे रही हूँ। ये फ्रोजन मटर नहीं है, ये फ्रेश मटर है, जिसे मैं छील करके फ्रीजर में स्टोर करके रखती हूँ। अब सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे हमें ढक करके स्लो फ्लेम पर तब तक कुक करना है जब तक कि मसाले ऑयल रिलीज ना करने लगे। ग्रेवी को बीच बीच में हमें एक दो बार चलाते रहना है ताकि मसाले हमारे जले नहीं। यहाँ पर हमारे मसाले बहुत अच्छी तरह से भुन चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि तेल बहुत अच्छी तरह से मसालों ने छोड़ दिया है। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे ग्रेवी के लिए पानी। यहाँ पर आपको जिस कंसिस्टेंसी की ग्रेवी चाहिए आप उतना पानी ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ऐड कर देंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, इससे ग्रेवी में और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। अब सभी चीज़ों को मिक्स करके हमें हाई फ्लेम पर एक बॉयल आने देना है ढक करके।
हाई फ्लेम पर एक बॉयल आने के बाद इसके फ्लेम को हमें स्लो कर लेना है और मटर के अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाने तक हमें इसे कुक कर लेना है स्लो फ्लेम पर। यहाँ पर हमारे मटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं तो यहाँ पर बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड कर देते हैं, जैसे कि गरम मसाला, कसूरी मेथी, हरा बारीक कटा हुआ धनिया और हरी मिर्च। सभी चीज़ों को एक बार मिक्स कर देंगे, साथ ही साथ यहाँ पर फ्राई किए हुए पनीर को भी डाल करके मिक्स कर देंगे। पनीर को डालने के बाद हमें सभी चीज़ों को मिक्स करके बस 1 मिनट के लिए ढक करके कुक कर लेना है। पनीर को हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, नहीं तो वो टाइट हो जाएंगे। यहाँ पर हमारी बहुत ही स्वादिष्ट मटर पनीर की रेसिपी रेडी है, इसे आप ज़रूर बनाएं मेरे तरीके से, ये आपको बहुत पसंद आएगी। फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ टैप ऑन द लाइक बटन एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।